अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गोल्ड शक लिखा हुआ है, ये दुबई की सबसे बड़ी गोल्ड की मार्केट है और यहाँ पे जो गोल्ड की वैरायटी है बहुत अच्छी है और प्राइस भी बहुत अच्छा है अदर कंट्री और अदर शॉप्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे दुबई में गोल्ड, डायमंड, वाइट गोल्ड सब अवेलेबल है बहुत रीज़नेबल प्राइस में। और ये एक्चुअली दुबई की सबसे बड़ी, जैसे दुबई में बहुत सारी गोल्ड मार्केट है बट ये सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है। तो मैं आपको शो कराता हूँ ये पूरी मार्केट कैसे कैसे यहाँ पे प्रोडक्ट हैं और गोल्ड लाइक गोल्ड बिस्किट, एयर रिंग, नेकलेस। चलिए फिर मैं दिखाता हूँ आपको पूरी गोल्ड मार्केट। तो ये इसका कॉरिडोर है, साइड साइड में आप दुकानें देख रहे होंगे और यहाँ पे जो है दुबई से हर कंट्री के लोग आते हैं स्पेशली गोल्ड परचेज करने। यहाँ पे एक गोल्ड की शॉप है बहुत बड़ी, मैं आपको उसके नेकलेस दिखाता हूँ। ये देखो और नेकलेस का साइज़ देखे आप, कौन खरीदेगा इसे यार, इतना बड़ा और इतना ज़्यादा गोल्ड है उसमें। और ऐसी दो चार शॉप और हैं आगे, वहाँ भी सेम ऐसे डिज़ाइन दिए हुए उन्होंने अलग अलग नेकलेस के बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ में। ये जो ज्वेलरी है ये मुझे बहुत पसंद आई, इसका लुक और बहुत डिफरेंट भी है और बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, जैसे पहले लाइक गर्ल्स का रहता था उसमें इजिप्ट वगैरह में, उस टाइप से है यहाँ पे डिज़ाइन नेकलेस के। तो आगे चलते हैं, और भी शॉप्स हैं और ये सारी शॉप जो आप देख रहे हैं ना लेफ्ट एंड राइट साइड में, ये पूरी गोल्ड की ही है। आज मैंने अभी सोने का रेट पता किया था तो जो आज का रेट है वो है 205 दिरहम पर ग्राम, तो उस हिसाब से आप इंडिया के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, सस्ता ही है। यहाँ पे जब भी परचेज़ करने आए आप तो इंडिया के लिए, बाकी तो कंट्री है मुझे पता नहीं, बट तो इंडिया के लिए बोलते हैं कि दो तोला अलाउ है, तो 20 ग्राम तक आप ले जा सकते हैं। कभी भी विज़िट करने आए तो कोशिश करें कि ये गोल्ड मार्केट में ही आए, तो यहाँ से अच्छा सोना और सस्ता और प्योर गोल्ड आप परचेज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको शो करूँगा वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिंग, यहाँ पर एक रिंग है गोल्ड की जो सबसे बड़ी है पूरे वर्ल्ड में, और उसमें कितने किलो की है वो मैं पता करता हूँ कितने किलो की, और उसमें डायमंड भी है जो शायद 5 kg का है, बहुत खूबसूरत है। चलिए मैं आपको शो करता हूँ, यह है वो गोल्ड रिंग जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिंग है, और इसके बीच में जो आप डायमंड देख रहे हैं यही इसका डायमंड करीब 5 kg का है, 5 kg का है। और इस रिंग का वेट है 58.something kg, 60 kg की अकेली रिंग खास पर गिफ्ट कर देता मेरे को। अभी भूख लग रही है तो कुछ खा लेते हैं, ये इंडियन रेस्टोरेंट है छोटा सा, तो ये रहा इसका मेन्यू। और ये इसके अपोजिट साइड एक और गोल्ड की मार्केट है, ये इन्होंने ये कैसा ही नहीं बनाई है बाद में, वो पहले फर्स्ट मार्केट वो है, फिर ये सेकंड मार्केट है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से डेवलप किया हुआ है। तो ये वाली मार्केट भी मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ आके भी ना मार्केट में मैंने एक चीज़ नोट की कि ये जो गोल्ड परचेस करने आए हैं जो लोग, वो सबसे ज़्यादा इंडियन हैं, बहुत पैसा भाई हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा,
सबसे ज़्यादा इंडियन है, अदर कंट्री के लोग भी हैं लेकिन मैं इधर उधर देख रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा इंडियन है जो गोल्ड परचेस करने आए हुए हैं। मार्केट तो पूरा कवर हो गया है, तो अब हम लोग चलते हैं किसी नए प्लेस पे, किसी नए टूरिस्ट प्लेस पे। तो मैं अभी सोचता हूँ कहाँ जाना है, देखता हूँ नियर बाई क्या हो सकता है, खूबसूरत जगह कौन सी है, टूरिस्ट प्लेस कौन सा है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ आगे। तो अभी गोल्ड मार्केट्स कवर करके हम आ गए हैं रिवर लैंड, आप देख ही रहे होंगे, ये रिवर लैंड का एंट्री गेट है। और यहाँ पे जो है टिकट तो कोई नहीं है, लेकिन ये काफ़ी दूर पड़ गया, मैंने सोचा थोड़ा पास होगा, तो इसके लिए पहले हमने दो मेट्रो चेंज की, और दो मेट्रो चेंज करने के बाद फिर एक बार अभी टैक्सी ली है, और टैक्सी लेके तब यहाँ पे पहुँचे, और अभी बज गया करीब 7:30, अंधेरा आप देख ही रहे होंगे। मतलब है तो बहुत ब्यूटीफुल बना है, लेकिन शायद दिन में आते तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि पार्क का क्या होता है कि कोई भी डेस्टिनेशन हो, अगर पार्क है वो, या कोई आइलैंड है या डिज्नी लैंड है, उसमें मज़ा दिन में ही आता है, क्योंकि कलरफुल रहता है, लोग रहते हैं। अभी क्या है कि अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे खाली पड़ा हुआ है, लोग जो है सब विजिट करके इसको चले गए, और अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब आ गए हैं तो मैंने कहा थोड़ा सा घूम ही लेता हूँ मैं। तो अभी फिर मैं आपको अंदर से शो करा देता हूँ कैसा है ये रिवर लैंड। यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है अपने लोगों के साथ, और इसके सामने ही देख रहे होंगे एक रिवर बनाई हुई है इन्होंने आर्टिफिशियल, बहुत खूबसूरत है। डे में तो उसका मतलब व्यू अलग ही होता, लेकिन अभी मैं नाइट में ही दिखा देता हूँ आपको, बहुत खूबसूरत है ये भी। बहुत खूबसूरत भी बना हुआ है, बस गलती ये हो गई यार कि अब मैं रात में आ गया, और ये दूर इतना है कि अब मैं दोबारा इसको ट्राई नहीं कर सकता आने की, कि मैं सोचूं कि मैं डे टाइम पे दोबारा यहाँ पे आऊँ, क्योंकि अभी मेरे को 3 से 4 जगह और विजिट करनी है, एक एक दिन में एक ही जगह हो पा रही है, मैं दो भी नहीं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दो भी नहीं कवर हो पा रही, क्योंकि जैसे हो रहा है वो शाम हो जा रही है, और फिर शाम को क्या है कि दुबई में बहुत कम प्लेसेस हैं जो शाम को खूबसूरत लगते हैं, बाकी यही है कि डे में मोस्टली है, तो डे में वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता है कि ट्रैवल करते ही करते 2 से 3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। तो अभी क्या है कि ये मैंने कोशिश की कि आज दो कवर कर देता हूँ, एक गोल्ड मार्केट हो गया, एक ये रिवर लैंड हो गया, बट माई बैड लक अगेन। रात बहुत हो गई है, तो मैं फटाफट दिखाता हूँ आपको, फिर मेरे को अकोमोडेशन भी जाना होगा क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। और आगे जो ये आप देख रहे हैं इसका लुक ऐसा है, लाइक है फॉरेन कंट्री में जो गांव होता है ना विलेजेस, सेम उसकी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत सुंदर है, मैं अभी आपको शो करता हूँ। Thank you.
इसके अंदर मैकडोनल्ड भी है भाई। ये देखा मैंने अभी, ये मैकडोनल्ड का कैफ़े भी बनाया हुआ है यहाँ पे। तो किसी को मैकडोनल्ड इन्जॉय करना है तो वाकई इजी यहाँ पे फूड इन्जॉय कर सकता है। तो अभी टूर कंप्लीट, अब चलते हैं एकोमोडेशन की ओर। ये था रिवरलैंड का नाइट व्यू, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। चलिए फिर देखते हैं कल कहाँ जाते हैं।